शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल। तो पहले जानते हैं कि लीडरशिप होता क्या है। तो अ लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। इट्स मींस लीडरशिप एक हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीडर बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जो है मोटिवेट करके एक कॉमन गोल को हिट करता है। तो आइए जानते हैं कि लीडरशिप स्टाइल होते क्या है। तो लीडरशिप हमारे स्टाइल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे जोड़ लीजिए स्टाइल, ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है मोटिवेशनल, सेकंड पावर स्टाइल एंड थर्ड सुपरवाइजरी स्टाइल। सुपरवाइजरी स्टाइल अब मोटिवेशनल सॉरी स्टाइल होगा। अब मोटिवेशनल स्टाइल जो है इसके 2 कैटेगरी हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पावर स्टाइल इसके भी 3 पार्ट हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। देन सुपरवाइजरी स्टाइल के 2 पार्ट हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये होता है। तो ये होते हमारे लीडरशिप स्टाइल के जो हमारे पार्ट ऑफ स्टाइल है। तो पहला क्या होता है मोटिवेशनल स्टाइल। मोटिवेशनल स्टाइल में क्या होता है हमारा कि इसमें जो लीडर होता है वो अपने काम को कराने के लिए लोगों को यानी कि वर्कर्स को मोटिवेट करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह से वो मोटिवेट करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव में हमारा क्या होता है कि जो लीडर होता है वो इनको जो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हेल्प करके डायरेक्शन को बता के जो है इनको मोटिवेट करता है तथा अपने कॉमन गोल को अचीव करता है। जबकि जो निगेटिव हमारा निगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल है, निगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल में क्या होता है जो हमारा लीडर होता है वो हमारे वर्कर्स को जो है फियर डर के कारण जो है अपना काम करवाता है। जैसे डर, फियर ऑफ सैलरी, फियर ऑफ बीटिंग एंड अब्यूजेस वर्ड यूज करके अपने काम को अचीव करने की ट्राई करता है। देन इसके बाद हमारा क्या आ जाता है पावर स्टाइल। तो पावर स्टाइल में क्या होता है कि लीडर ही अपनी सारी पावर को जो भी उसके पास अथॉरिटीज होती है उसको यूज करके इस स्टाइल को क्रिएट करता है। इसमें जो है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन है। तो फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है जो लीडर होता है वो खुद को ही बॉस समझता है। वो हमारे जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं देता, मतलब जो भी जो डिसीजन लेना रहता है कंपनी के लिए वो खुद लेता है, उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए जो जो भी लॉस होते हैं या जो भी प्रॉफिट होते हैं उसका जो रिवॉर्ड होता है वो सिर्फ लीडर को मिलता है, ना कि उनके वर्कर्स को मिलता है। जिसकी वजह से जो इसका डिसएडवांटेज है उसमें ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं इनकी कंपनियों में काम करने वाले वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और जो इसका जो एडवांटेज है उसमें ये हो जाता है कि हमारा जो डिसीजन होता है वो क्विक होता है, क्योंकि जब हमें किसी से जो है पूछना नहीं रहेगा, खुद ही लेना रहेगा, तो हम क्विक डिसीजन ले पाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक में जो होता है जो हमारा लीडर होता है वो सबको साथ लेके चलता है, मतलब वो सिंगल डिसीजन नहीं लेता, अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज इन लोगों से मतलब डिस्कशन करके जो है इनको इन्वॉल्व करके कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेता है। तो ये जो होता है लॉन्ग प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सबके व्यूज को सुनते हुए फिर कोई डिसीजन लेना। देन इसके बाद जो है डेमोक्रेटिक क्या होता है, इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रुप स्टाइल, मतलब इसमें जो है बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो डिसीजन को लेते हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारा फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होता है, इसमें जो है जो हमारा लीडर होता है वो अपने सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज को फ्री कर देता है कि जैसे भाई तू फ्री है, तुझे जो करना है तू कर, मतलब उसमें बस ये रहता है कि उसको अपने टाइम से मतलब होता है, वो एक टाइम दे देता है और अपना काम
दे देता है कि उसको इतने टाइम तक इतना काम चाहिए, तो तुम्हारा जैसे मन कहे तुम वैसे करो। तो फ्री रेंज में यही रहता है कि जो हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रॉपर फ्री होते हैं, अपना फ्रीली स्लोली काम करते हैं, बस एट टू टाइम उसके लीडर को काम चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है बहुत फ्री फील करते हैं और हैप्पीली काम कर लेते हैं। देन इसके बाद जो है सुपरवाइजरी स्टाइल। सुपरवाइजरी स्टाइल में क्या होता है कि जो हमारा लीडर होता है वो एज ए सुपरवाइजर और जो हमारा सुपरवाइजर होता है एज ए लीडर वहां पे दिखता है। तो इसमें क्या होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है एम्प्लॉय ओरिएंटेड। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि लीडर किस पे फोकस करेगा, एम्प्लॉयज पे, एम्प्लॉयज की नीड्स पे। तो एम्प्लॉयज ओरिएंटेड में होता है हमारा कि लीडर जो है इसकी नीड्स पे फोकस करता है, जैसे कि ये जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, इसकी नीड्स क्या क्या है, ये किस चीज से मोटिवेट होकर हमारे काम को जल्दी करता है। Then, इसके बाद क्या आ जाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जैसे कि ये भी नाम से जाना पहचान में आ रहा है कि इसमें जो लीडर होता है वो प्रोडक्ट पे फोकस करता है, मतलब इसे वर्कर्स की नीड पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है, इसके प्रोडक्ट्स पे रहता है। ये अपनी कंपनीज में नई टेक्निक्स नई मशीन को लाएगा लाता है जिससे इसकी जो है काम जो है वो तेजी से हो, इसका गोल जल्दी अचीव हो जाए तथा इसके जो वर्कर्स है वो एवरी टाइम बिजी रहे। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो ये जो होता है वो हमारा लीडरशिप स्टाइल होते हैं। तो यहीं पे हमारा लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।